हो रही है पढ़ाई पढ़ाई। गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस शाम के 6:23 हो रहे और मैं अभी कर रहा हूँ अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट। तो गाइस आज पूरी छत साफ की है, हम लोगों ने पूरी छत साफ की है और मानसी तो गई है दुकान में, तो मैं भी दुकान से ही आ रहा हूँ अभी। तो चल अभी जाएंगे दुकान में। आज यहाँ हमने सारे कपड़े भी धोए हैं और कन्नू से तो खेलने गए हैं दोनों जने, और मानसी दुकान में बैठी है। मंजू जी सोई है नीचे क्योंकि अभी ड्यूटी से आई है मंजू जी, इसलिए सोई है। कन्नूसू तो पानी फूलों में डाल के आ गए वहाँ, जिस शिवानी जी लोग वहाँ उनके वहाँ, वो दिल्ली गए हैं सब लोग, तो उनके वहाँ आजकल हम ही को करना पड़ रहा है, फूल में पानी डालने जाना पड़ रहा है। अभी लाइट जलाने भी जाना पड़ेगा शाम को। तो कन्नूसू फूल में पानी तो डाल के आ गए और आप खेलने भी चले गए हैं, तो मैं चलता हूँ दुकान में और देखते हैं मानसी क्या कर रही है दुकान में। तो सीधे चलते हैं दुकान में, तो चलते हैं दुकान में। और दुकान में पहुँचने वाला हूँ और मानसी बैठी है यहाँ अंदर, ये बैठी है यहाँ, क्या करती है तू? पढ़ाई कर रही है, पता नहीं अब काई की पढ़ाई करती है काई की। तो आज से हम नया रूटीन बनाया है कि कन्नूसू भी किताब पढ़ेंगे। आज 1 तारीख है तो आज से ये उनको पढ़ाएगी दोनों जन को, और ये भी खुद भी पढ़ेगी और मैं भी पढ़ लूँगा थोड़ा थोड़ा। दुकान में बैठना पड़ेगा तो अभी चलेंगे घर को। तो आजकल हमें ही बैठना पड़ रहा है दुकान में क्योंकि मंजू जी अकेले तो बैठती नहीं है दुकान में। तो अभी चलेंगे थोड़ी देर बाद दुकान से, अभी तो कन्नूसू भी नहीं आए खेलने से, तो अभी चलते हैं थोड़ी देर बाद दुकान बंद करके। मानसी तो चली गई है घर, वो कन्नूसू को आज पढ़ने बैठा लेगी क्योंकि आज से पढ़ाई करेंगे वो और खुद भी पढ़ेगी। तो थोड़ी देर में बैठता हूँ दुकान में और अभी चलता हूँ घर को। गाइस हो चुका है दुकान बढ़ाने का टाइम, तो दुकान बढ़ाता हूँ और चलते हैं घर को। गाइस कर दिए दुकान बंद और चलते हैं घर को, देखते हैं क्या कर रहे हैं मानसी लोग। खाना तो बना दिया होगा शायद, तो देखते हैं घर जाके क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। और इसकी भी हमारी ख़राब हो चुकी है इसलिए यही खड़ी है। गाइस देख सकते हैं आप, यहाँ हो रही है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ये देखो ये सुपर और देखो टीचर है ये। और गाइस यहाँ सब्जी और रोटी दोनों बन चुकी है, तो खाली खाना है हमने। जो पढ़ाई चल रही है और अभी खाएंगे थोड़ी देर बाद खाना। पढ़ती नहीं है आज तो, इतने अच्छे से पढ़ ली क्योंकि अगर नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ शेर बैठा हुआ है, शेर ये इन्हें खा जाता है, इसने इन्हें डरा डरा के पढ़ा रही है। पढ़ाई पूरी हो चुकी है इनकी, अब कपड़ों की तय बना दी मानसी
पढ़ाई पूरी हो चुकी है और ये चले गए हैं बाहर तुरंत ही जैसे ही पढ़ाई से छूटे। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा खाने, तो देखते हैं क्या कर रही है। यहाँ ये देखो जैसे ही पढ़ाई से छूटे यहाँ घूमने लग गए रोड में। तो मैं चलता हूँ अंदर, इन्हें थोड़ी देर हवा खाने देते हैं क्योंकि काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं, बहुत देर हो चुकी है, 2-2.5-3 घंटे हो गए शायद। तो अभी खाते हैं हम खाना। गाड़ी चढ़ा दी है मैंने, ये वाली भी शिवानी की लोगों की, और हमारी तो हो रही है ख़राब हुई है। तो हम खाते खाना, यहाँ लग रहा है खाना, मंजू दीदी ने वहीं से डाल दिया आज खाना। शिवानी दी लोगों के वहाँ जाना है हमें गेट में ताला लगाने, उनके गेट में ताला नहीं लगाया है। अभी कन्नू यूसुफ लाइट खोलने गए थे, ताला नहीं लगा के आए हैं, तो ताला लगा के आते हैं। यूसुफ कन्नू भी आ रहे हैं और मानसी चाबी लेने गई है क्योंकि दुकान में चाबी रह गई है, तो चाबी लेने गई है। तो चलते हैं, कन्नू यूसुफ तुम आ जाना, हम बाहर से रुके हैं तुम्हें, तो हम इन्हें बाहर से रुके रहेंगे। हम पहले चाबी निकालते हैं दुकान से। मानसी यहाँ बैठी है, मैंने सोचा निकाल दिए पर यहाँ पे बैठी है। और शाम को भी काफ़ी अच्छा लगता है, रोड में हवा आती है ठंडी ठंडी। तो जल्दी से निकालते हैं दुकान से चाबी। आ चुकी है, अब मानसी कन्नू को बुलाने गई है, तो चाबी तो निकाल ली हमने। कन्नू तो नहीं आ रही है, वो खाने में है, वो आराम से खाऊंगी कह रही है, कितनी रोटी खाएगी पता नहीं। तो रोड में तो उजाला उजाला हो रहा है, पर सुनसानी भी हो रही है, कोई चल भी नहीं रहा रोड में भी। और आ चुके हैं हम मंदिर पे, शिव मंदिर है और ये शनिदेव का मंदिर है और ये शिव जी का मंदिर है। पहुंच चुके हैं हम यहाँ, यहाँ ताला नहीं लगाया, लाइट जला दी है, कितनी प्यारी लग रही है लाइटें दोनों। पर चलते हैं, इसमें ताला लगाना है, आओ जल्दी लगाओ। और यहाँ पे है झोपड़ी, कैसे अंदर से ताला लगा दिए और अब ये कैसे आएगी देखते हैं। अरे रे रे रे, दीवार लांग के आ रही है, गिरेगी यहाँ आज। ये दीवार तो बहुत बड़ी है, पीछे से आगे से छोटी लगती नहीं है। अरे आ गई, तो चलते सीधे घर को। झूला झूली थी वो भी मेरे पर हंस रही थी। तो काफी अच्छा मौसम, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। कन्नू ने यहाँ बिस्तर भी लगा लिया है, सबने खा लिया है खाना और वहाँ ताला भी लग चुका है। तो अब ये लोग सो जाएंगे और मैं आराम से एडिटिंग करूँगा। तो आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय एंड गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।